हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांचल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल की बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन, इसका क्रेज हमने देखा है कि किस तरीके से चला था और अभी भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें प्रेजेंटली चल रही हैं और धीरे धीरे इम्प्रूव करके मार्केट में आ रही हैं। और अभी तक जो हमने पास प्लेटफॉर्म्स देखे हैं, चाहे वो रेडिबल हो, ओपन सी हो, एयर एनएफटी हो, तो इसी तरीके से अब कहीं ना कहीं जो एक्सचेंजेस हैं वो भी अपने प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर लाने में लगे हैं, जहाँ पे कि एफटीएक्स, बाइनेंस, वजीरएक्स तीनों ही अपने अपने प्लेटफॉर्म ला चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं बाइनेंस की या एफटीएक्स के बारे में, तो वहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता कि एक नॉर्मल क्रिएटर जाके अपनी एनएफटी वहाँ पर लिस्ट कर सकें। तो इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं वीडियो में वजीरएक्स एनएफटी के बारे में, जहाँ पर एक ऑप्शन है जहाँ से कि आप जाके एक क्रिएटर बन सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा टैलेंट है, आप एनएफटी को डिज़ाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप जा सकते हैं और अपनी एनएफटी को सेल करके एक अच्छा अमाउंट भी यहाँ पे कमा सकते हैं। बाकी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिमाइंड कराना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में इनरोल नहीं करा है, तो ये कोर्स में आप इनरोल करने के बाद सीख सकते हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी चीज़ों को। और साथ ही साथ यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक, फॉरेक्स, कमोडिटी एंड यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट को, वो भी सीमलेस तरीके से। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आपके सिग्नल ग्रुप के अंदर ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस ईमेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम आईडी @cryptofile के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। तो ये है दोस्तों वजीरएक्स, ये वो वेबसाइट जो कि चल रही थी बीटा वर्जन में। और अगर आप इस पर जाना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं nft.wazirx.org। आप जैसे ये लिखेंगे आप सीधे आ जाएंगे इस वेबसाइट पे। बाकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ताकि आप वहाँ से भी क्लिक करके यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये है दोस्तों पूरी वेबसाइट, बड़ी सिंपल सी वेबसाइट है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ जो मोस्ट पॉपुलर एनएफटी से वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और इसी तरीके से हमें और भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मिलता है ड्रॉप का ऑप्शन, जहाँ पे कि आप जाके वही सारी चीज़ें देख सकते हैं। डिस्कवर में आप जाएंगे तो आपको लोगों की एनएफटीज देखने को मिल जाएंगी, जो भी पर्सन ने डाली है, कितने प्राइजेस पर लिस्ट करी है। यहीं पर क्रिएटर टैब भी है, जहाँ पर आप जाके ये देख सकते हैं कि कौन क्रिएटर है, उनकी एल्बम्स जो हैं वो सारी हैं। और आप चाहे तो किसी भी क्रिएटर को फॉलो यहाँ पे कर सकते हैं जिनकी एनएफटीज आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। कलेक्टर्स में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको और कलेक्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। वो एक एल्बम तरीके का ही फंक्शन है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपको अलग अलग कलेक्टर्स या फिर अलग अलग तरीके की जो चीज़ें वो यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो ये सिंपल तरीका है जिससे कि आप वजीरएक्स के एनएफटी के ऊपर आ सकते हैं और किसी की भी एनएफटी को परचेस यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम अपनी एनएफटी कैसे यहाँ पर डाल सकते हैं। तो देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन है, डेफिनेटली यहाँ पर एक ऑप्शन है लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको सबसे पहले तो अपना वॉलेट यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर कनेक्ट का बटन दिया गया, आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कर सकते हैं। आपका मेटामास्क यहाँ पर पॉप आउट होगा और यहाँ पर आप डायरेक्टली अपना पासवर्ड डाल के लॉग इन के अंदर यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे आप सबसे पहले लॉगिन करेंगे, आपको अपना अकाउंट यहाँ पे ऐड करना है। फिलहाल मैं इथेरियम का अकाउंट दिखा रहा है, बट ये बीएससी चेन के ऊपर चलेगा, तो मैं इसको फिलहाल मैं नेक्स्ट करके कनेक्ट कर लेता हूँ। ये कनेक्शन हो चुका है और यहाँ पर अभी हमें एक और नोटिस आ रहा है जो हमें इसको यहाँ पर अप्रूवल करना होगा। तो वापस से मेटामास्क खोल के अप्रूव हम इसको करेंगे और यहाँ पर बता रहे कि आपको नेटवर्क को स्विच करना पड़ेगा, तो हम स्विच नेटवर्क को कर देते हैं। और ये करने के बाद हमारा जो नेटवर्क है वो अब यहाँ पर बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर आ चुका है। इट मीन कि अब आप यहाँ पे इजीली यूज़ कर सकते हैं वजीरएक्स के एनएफटी को। अब सबसे पहले अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर यहाँ पे बनना चाहते हैं एनएफटी के लिए, तो आपको यहाँ पे आप वापस आप एक बार कनेक्ट कर लीजिए। इसको कनेक्ट करने के बाद आपका जो बीएनपी अकाउंट है वो फाइनली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपकी चेन पहले से बीएनपी पे तो कोई इशू नहीं है, आपको एक ही बार साइनअप करना है। अगर दूसरी चेन पर तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर एक साइनिंग की रिक्वेस्ट आएगी, इसका मतलब है कि आपका एक अकाउंट यहाँ पर क्रिएट होगा तो आपको साइन करना है। तो सबसे पहले आप साइन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि यूज़र नेम, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ प्रो। और ओके, तो ये नेम किसी ने ले रखा है, मैं 6 कैरेक्टर का चाहिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नाम में और चेंजेस कर देता हूँ। डिस्प्ले नेम में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना नाम। ऑलरेडी मैंने क्रिप्टो वेल के नाम से एक अकाउंट बना लिया, तो मैं यहाँ पे दूसरे नाम से बना लेता हूँ। ईमेल्स की बात करें तो यहाँ पर मैं वापस अपना सिमिलर ईमेल ही डाल देता हूँ। ओके, तो मेरा पुराना ईमेल तो यहाँ पर काम नहीं कर रहा था, तो मैंने यहाँ पर दूसरा ईमेल डाला क्योंकि उसमें ऑलरेडी रजिस्टर आ रहा था। अब ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ आई एग्री के ऊपर और यहाँ पर हम कर लेते हैं रजिस्टर। जैसे हम यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम कोई भी एनएफटी यहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें क्रिएटर बनना है तो वापस हमें अपने प्रोफाइल पे आना होगा। यहाँ पर लिखा है बिकम अ क्रिएटर, जिसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। और क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक फॉर्म खुल जाएगा जिसको कि आपको भर के देना होगा। और अगर आप इस कैटेगरी में फंडलेस हो जाते हैं तो आप यहाँ पे एक क्रिएटर भी बन सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना ईमेल, नेम, आपकी एज, आपका जो जेंडर है, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल लिंक जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, इसके बाद आपकी सोशल मीडिया पर कितनी फॉलोइंग है, इसके बाद यहाँ पे कवरेज कितना है और आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, इस
सारी चीज़ें फिल आपको करनी होगी। तो अगर आप एक रियल के आर्टिस्ट हैं देन यही आपके लिए यूटिलाइज हो सकता है, आप यहाँ पर अपनी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप रियल आर्टिस्ट नहीं हैं, आप बस छोटा मोटा कोई NFT बनाना चाहते हैं, किसी से बनवा लेते हैं, तो फिर आप रेडिबल या दूसरे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल में ये था दोस्तों वजीरएक्स का पूरा की NFT का पोर्शन, और बाकी आपके प्रोफाइल देखनी है तो यहाँ पर क्लिक करके आप प्रोफाइल पर जा सकते हैं, जिसको क्या कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कलेक्शन और क्रिएशन को यहाँ पर बना सकते हैं। आप जब भी अप्रूव यहाँ पे हो जाएंगे एज अ क्रिएटर यहाँ पे। सो आई होप दिस वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आ गया होगा प्रॉपर तरीके से। फिर भी अगर कुछ डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा। चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साइड में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें, ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पर पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।